एक ऐसे वक्त में जबकि वादी कश्मीर में आबी पनागाहों को बचाने के लिए एलजी इंतज़ामिया लंबे चौड़े दावे कर रही हैं, वहीं जनूबी कश्मीर के ज़िला पुलवामा के त्राल कस्बे में वाक़े कई कुदरती चश्मे आखिरी सांसें ले रहे हैं। ताहम इंतज़ामिया मामले की नस्बत खामोश है, जिसकी वजह से अवामी हलकों में ज़बरदस्त नाराज़गी पाई जा रही है। एक मकामी नौजवान ने बताया कि त्राल में कुदरती चश्मों की नागुफ्ता बेहालत इंतज़ामिया की बेहसी का अक्कास है। मशहूर दिलनाक चश्मे के इर्द गिर्द जगह जगह पॉलीथीन और कूड़े करकट के ढेर पड़े हुए हैं और हुकाम टस से मस नहीं हो रहे हैं। यहाँ का पानी था वो बिल्कुल साफ था, पीने के काबिल था। आज अगर देखेंगे तो ये तो जानवरों को भी देने के काबिल है ही नहीं। यहाँ ये चश्मा है, ये दिलनाक के नाम से मशहूर है, त्राल की ये शान है। तो आप खुद देख रहे हैं यहाँ कितनी गंदगी है। ये गंदगी यहाँ से लोग, यहाँ के लोग इससे परेशान होते हैं। इसमें बहुत सारे लोग पानी भी लेते हैं पीने के लिए और बर्तन धोने के लिए, लेकिन आज लग रहा है कि यहाँ हाथ धोना भी हमें दिल गवारा नहीं करता है, कितनी गंदगी है इसमें। तो हमने गवर्नमेंट इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है। यहाँ ये जो यहाँ की का ये म्यूनिसिपलिटी ऑफिस है, तो हम उनसे गुजारिश करते हैं इसकी तरफ कोई तवज्जो दें ताकि ये गंदगी दूर हो जाए। तो बहुत सारे चश्मे हैं इसके बगैर भी यहाँ, तो वो सूख गए, उनकी तरफ भी ध्यान दे थोड़ा। बहुत चश्मे हुआ करते थे जो हुकूमत के ध्यान ना देने की वजह से सूख रहे हैं, तो आज आप देख रहे हैं यहाँ पर एक ही बचा हुआ है। मुझे लग रहा है ये भी आगे जाकर शायद खत्म हो जाएगा। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर, देखिए किस तरीके से यहाँ पर मेंटेनेंस अच्छी तरह से नहीं किया है। सरकार से अपील यही रहेगी कि सर जब देखिए आप, त्राल की जो खूबसूरती है तो इन्हीं चीजों से होती है कि जहाँ यहाँ पर सियाह आएंगे तो देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर। तो अगर हम लोग इन चीजों को मेंटेन नहीं करेंगे तो शायद हमारे पास ये जो खूबसूरती का तोहफा खुदा ने जो दिया है ये नहीं रहेगा। इस हवाले से ईटीवी भारत ने जब सेक्रेटरी म्यूनसिपल कमेटी त्राल नज़ीर अहमद मलिक से बात की तो उन्होंने यूं कहा। इस बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये वाटर बॉडीज है, आपको मालूम है इनकी कितनी अहमियत है, आज तक ग्लोबल वार्मिंग की थ्रेट है तमाम वर्ल्ड को, तो इसको बचाना हम सब उनका फर्ज है। तो हम पिछले साल से लगे हैं, हमने बटमा भी साफ किया है और गिरना यहाँ का जो बहुत ही अच्छा चश्मा है उसके साथ में पार्क भी है, लोगों का एक एंटरटेनमेंट के लिए अच्छी जगह है। वो तो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट उसको मेंटेन कर रहा है, फिर भी हमसे जितना भी हो सकता है, परसों ही पिछले हफ्ते हमने उसको साफ किया है। जहां भी ओवर सेचुरेंसी उस नाग के बाहर और पार्क के बीच में, वो हमने साफ किया है। हम लगे हैं इसके पीछे, हम इंशाल्लाह इसको साफ करके ही रहेंगे। इनके इनलेट आउट लेट जितने भी है वाटर बॉडीज के, उनको साफ करना हमारी पहली अवली फुर्सत में हम कर रहे हैं। लेकिन इस जुम्मन में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि लोग हमें कॉपरेट करें, लोगों का हमें सपोर्ट रहे, क्योंकि हम आज तो साफ करते हैं, कल देखते हैं कि उसमें कोई पॉलिथिन डालता है, कोई बोतल डालता है, कोई कुछ डालता है। हमने इसके लिए एवरेजेस का एक कंप्लेन भी चलाया है, लोगों को ताकीद किया है कि इनको बचाने के लिए हमारा सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह आप देखें, जहां कहीं भी कोई कोताही हो, आप भी देखते हैं, लोग भी देखते हैं, आवाम भी देखता है, सब देखते हैं, तो हमारी नोटिस में लाए, इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे अपनी तरफ से, जितना भी हमारा रिसोर्स होगा हम उसको पूरी तरह वाजर है। त्राल कस्बे में मौजूद पंजीनाग, बटनाग, ब्रह्मसरनाग, कुंजबलनाग और दिलनाग जैसे कुदरती चश्मे मौजूद है जो न सिर्फ लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करते हैं बल्कि खेतों की सिंचाई के लिए भी कलीदी रोल अदा करते हैं, मगर इन चश्मों का रखरखाव बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। त्राल से शब्बीर भट्ट की रिपोर्ट।